एक तो इथेनॉल से पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम और एक बड़ा मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरा टॉपिक रहेगा बलरामपुर चीनी, 408 410 की रेंज में अभी कैश में चल रहा है ये। 412 हो गया सर। 412 हो गया सर, मैं जब देख रहा था 409 410 चल रहा था ये तो। इनफैक्ट और ऊपर भी से 417 का हाई लगा करके आया, 418 का इनफैक्ट। बढ़िया, एक तो बिजनेस सेटअप भी बहुत बढ़िया है। जैसे आमतौर पे शुगर फैक्ट्रीज की कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहने की वजह से शुगर फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती है, लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और फोकस्ड है, डेडिकेटेड बिजनेस देती है। ये फंडामेंटल तो बात हो ही गई है, लेकिन चार्ट्स पे भी इतने अमेजिंग चार्ट्स के सेटअप हो चुके हैं इसमें। तो बलरामपुर ये टॉपिक रहेगा। एक साल में हम लोग इसके अंदर 60% 50% टू 60% की ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बलरामपुर चीनी पंकज जी कह रहे हैं खरीदारी करके चल सकते हैं, बड़ा मुनाफा एक्सपेक्टेशन है। कारण फंडामेंटली भी पता है, चार्ट्स में तो उनको स्ट्रेंथ दिख ही रही है। फंडामेंटली एथेनॉल की ब्लेंडिंग वो बड़ा स्टोरी चल रहा है। एक टारगेट अचीव कर लिया है सरकार ने, 10% हम पहुंच गए हैं और टाइम से पहले कर लिया है, करीब छह छह महीने कर ली पहले ही कर लिया हमने, अचीव कर लिया। तो वो एक चीज है। तो उसी स्पीड को और बढ़ाते हुए सरकार कह रही है कि वो जो 20% वाला भी जो टारगेट है वो भी अचीव करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि 13% तक तो इजी राइड है, लेकिन 13% के बाद जब 14% की बात करेंगे तो वहां पर शायद थोड़ा सा एक ब्रेक लग सकता है उस राइड पे। क्योंकि पंकज जी, 13% के बाद जब हम ऊपर जाते हैं, उससे ज्यादा जब मिक्सिंग करते हैं, तो इंजन में, गाड़ी के इंजन में भी कुछ चेंजेस करने होते हैं, तभी वो इंजन जो है वो उस 13% से ज्यादा एथेनॉल के मिक्स वाले पेट्रोल के साथ में चल पाएगा। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद रोड ब्लॉक आ सकता है, लेकिन देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के पास निश्चित रूप से आंकड़े होंगे और उनको पता होगा ज्यादा बेहतर तरीके से कि वो कितना तैयार है। प्लस कितना सारा हमारा जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे और उसके चलते फोरेक्स पे जो असर पड़ता है और बहुत सारी चीजों का, कि अभी हाल की जो हम जो एक इश्यू देख रहे हैं और कतर और वो वाली सारी चीजों में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक वाले आर्म ट्विस्टिंग जैसी चीज है कि इस तरीके के देश आर्म ट्विस्टिंग कर लेते हैं या किस तरीके का एक दबाव बना लेते हैं। तो भले ही विषय कुछ और हो और भले ही विषय कितना भी जेन्युइन हो और वाली सारी चीजें, लेकिन ये जो बिजनेस साइड पे जब एक जो प्रेशर है ना, उसको कहीं ना कहीं ईज आउट करने के लिए हमें सेल्फ डिपेंडेंट ज्यादा होना होगा, या तो उस तरफ हम बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो बढ़ने की दिशा में, तो ये एक अच्छी चीज है और उसका एक बढ़िया पिक बलरामपुर चीनी कह रहे हैं। सर मेरे को टारगेट्स और टाइमलाइन बता दीजिए। सर एक साल का टाइम फ्रेम रखिए इसमें, 620 का अल्टीमेट टारगेट रहेगा, 570 का फर्स्ट टारगेट, 620 का इवेंचुअल टारगेट रहेगा इसका। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं बलराम। इसी के साथ में इसी सेक्टर से रिलेटेड दूसरी कंपनी रहेगी, मेरा टॉपिक रहेगा वो प्राज इंडस्ट्रीज। अर्लियर ये काफी अच्छा चल चुका स्टॉक है। जी थोड़ा आज निगेटिव रेड रेड में ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन सेम स्टोरी रहेगी इसमें भी। कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है, पिछले कुछ सालों में ये प्राज इंडस्ट्रीज काफी पिट चुकी थी, लेकिन लेटेस्ट अगर 1.5 साल से 2 साल के बीच के अगर हम लोग चार्ट्स देखते हैं, और स्पेशली पिछले 6 से 8 महीने के जो चार्ट्स देख रहे हैं, तो प्राज इंडस्ट्रीज ने एक अमेजिंग मूव दिया हुआ है और एक अच्छा खासा बॉटम बना चुका है। एक अच्छे फॉर्मेशन के साथ में प्राज इंडस्ट्रीज ने वापस मूव लेना शुरू कर दिया है। 328 रुपए का भाव चल रहा है अभी, 290 रुपए का सेफर साइड स्टॉप लॉस रखना है, 440 490 ऐसे दो टारगेट रहेंगे, टाइम फ्रेम 8 महीने से 12 महीना। 8 से 12 महीने का टाइम फ्रेम लेकर के प्राज इंडस्ट्रीज में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर बहुत सीधी सीधी तेजी नहीं भी दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहा है गिरावट को और वाली सारी चीजें, तो वो एक स्ट्रेंथ ही बताती है एक तरीके से कि कहीं ना कहीं साइडवेज ही है अगर, और ऊपर की तरफ नहीं भी गया है तो पिछले 1 साल के अंदर में, तो वो भी एक स्ट्रेंथ को बता रहा है कि बाजार के कमजोरी के साथ में कमजोर नहीं हुआ। और दूसरी चीज जो पंकज जी जिस चीज को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिस्काउंट पे मिल रहा है, जो पीछे की कुछ गिरावट है उसमें कहीं थोड़ा तो डिस्काउंट आया ही है, तो अपने 400 420 और उस तरीके के लेवल से नीचे 328 के आसपास मिल रहा है। सर करंट लेवल्स पे मैं पूरी बाइंग कर लूं?
सर पूरी मतलब आप लोग मतलब जिस तरीके से बाइंग करना है हमेशा से एक डिसिप्लिन वे होता है, अगर हम लोग पोजिशनली कोई स्टॉक के अंदर हम लोग जा रहे हैं पोजिशन ले रहे हैं वहां पे तो 20% 30% का फंड हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं वहां पे और इसी तरीके से ये। लेकिन शुगर स्टॉक के अंदर आई कैन डेफिनेटली से यू कि 50% तक का फंड्स डिप्लॉय कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो शुगर सेक्टर में नॉर्मली कह रहे हैं पंकज जी कि जब इस तरीके की लॉन्ग टर्म की बाइंग करते हैं तो 20-30% करके थोड़ा थोड़ा स्कैटर्ड वे में बाइंग करी जाती है या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी उस तरीके से बनानी चाहिए। लेकिन शुगर सेक्टर में एथेनॉल की स्टोरी को देखते हुए बढ़िया उम्मीदें हैं और उस उम्मीदों के चलते पंकज जी कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बाइंग भी 50% भी आप अपनी पूंजी डिप्लॉय कर सकते हैं। जितना पैसा आप उसमें लगाने जा रहे हैं, मान लीजिए आप 100 रुपए प्राइस में डालने जा रहे हैं तो उसके 50 रुपए आज डालने हैं, और उसी तरीके से बलरामपुर चीनी में भी। तो ये दो स्टॉक्स शुगर सेक्टर से एथेनॉल की स्टोरी के चलते कह रहे हैं पंकज जी की खरीदारी करके चल सकते हैं, नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना होगा और बढ़िया मुनाफा मिलेगा बन सकता है क्योंकि सरकार बहुत तेजी से उस दिशा में काम कर रही है जहां पे हम बायोफ्यूल की तरफ, ग्रीन फ्यूल की तरफ, फॉसिल की तरफ बढ़ रहे हैं और फॉसिल फ्यूल से हट रहे हैं। तो उस तरीके की चीजें और उसका फायदा और बहुत तरीके से देश को, देश की इकोनॉमी को भी होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार और लोग सब लोग मिलकर उस दिशा में काम कर रहे हैं, उसका फायदा आना दिखता है कि कहीं ना कहीं बलरामपुर चीनी और प्राज में शायद साल भर में अच्छा मुनाफा आ सकता है। बढ़िया है सर, ठीक है।